शाहरुख खान अक्सर विवादों से दूर ही रहते हैं, लेकिन करियर के शुरुआती दौर में वे अपने बारे में आने वाली खबरों को लेकर काफी रिएक्ट कर दिया करते थे, जिसके चलते उन्हें एक बार तो जेल जाना पड़ा था। जी हाँ, उन्होंने हाल ही में डेविड लेटरमैन के साथ एक इंटरव्यू में ये बात कही। डेविड लेटरमैन ने इसके बारे में बात करते हुए कहा था, आप एक फिल्म में थे और उस फिल्म में वे डायरेक्टर आपको अपनी पत्नी के साथ शूट कर रहा था और एक मैगजीन में खबर छपी थी कि उस डायरेक्टर ने कहा था कि आखिर क्यों नहीं तुम दोनों साथ में रात बिता लेते हो, आप एक दूसरे को अच्छे से जान लो और अगले दिन में इस फिल्म की शूटिंग करूंगा और ये आपके लिए अपमानजनक था और जाहिर है कि उस महिला के लिए भी बेहद अपमानजनक था। शाहरुख ने इस बारे में बात करते हुए कहा, मैं उस घटना से काफी डिस्टर्ब हुआ था और मैं उस समय काफी नया था, तो उस समय मैं हर न्यूज आइटम पर काफी रिएक्ट कर दिया करता था और उस दौर में कोई सोशल मीडिया नहीं थी, सिर्फ मैगजीन हुआ करती थी। मैं उस समय बेहद गुस्से में था और उस समय मैगजीन के एडिटर को कॉल किया और उससे पूछा था कि ये खबर तुमने लिखा है, उसने कहा था सुनिए क्या आप इसे एक जोक की तरह ले सकते हैं। मैंने उनसे कहा था कि ये बिल्कुल भी फनी नहीं है और मैं उनके ऑफिस गया और मैंने वहाँ काफ़ी बदतमीजी की थी। शाहरुख ने कहा कि मैं वहाँ जाकर चिल्लाया था और लोगों को धमकाया भी था। शाहरुख ने यह भी कहा कि उन्हें एक दिन के लिए जेल भेजा गया था। शाहरुख ने बताया, मैं शूट कर रहा था और पुलिस वाले आए और बड़े प्यार से उन्होंने मुझसे कहा, हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। उस जेल की हालत खराब थी और मैंने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट भी की थी, मुझे जाने दे और मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। शाहरुख को इसके बाद शाम को जमानत मिल गई थी। फिल्मी अड्डा से सुरभि मिश्रा की रिपोर्ट।